देख रहे हैं MPCG एक्सप्रेस न्यूज। अगर आप हमारी खबरें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक करें। सुनवाहा ई उपार्जन केंद्र चेक करने पहुंचे जिला CEO। निरीक्षण के दौरान ई उपार्जन फसल खुले में रखी देख उक्त फसल को वेयर हाउस में जमा कराने के निर्देश दिए। साथ ही वहां फसल विक्रय के लिए आए किसानों को मास्क लगाने एवं सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के निर्देश देने के साथ खरीदी कर रहे लोगों को भी मास्क लगाने के निर्देश दिए। खरीदी केंद्र ये बड़ा मलहरा में मंडी का चेक किया है, दूसरा सुनवाहा उपार्जन केंद्र, दो उपार्जन केंद्रों को चेक किया है। उपार्जन केंद्र में खरीदी ठीक चल रही है, सुनवाहा इसमें मंडी में जो उपार्जित गेहूँ है वो गोदाम में नहीं गया है अभी तक, तो वो निर्देश दिया है कि इसको रेडी टू ट्रांसपोर्ट जितना भी गेहूँ है उसको तत्काल जो है वेयर हाउस में जमा कराएं। दूसरा कुछ लोगों में ये दिखा कि लोग मास्क भी नहीं लगा रहे, बगैर मास्क लगाए ही खरीदी कर रहे हैं, उनको सबको निर्देश दिया है ये कि सभी लोग मास्क लगाएं, जो मास्क नहीं लगाते उनको बाहर करें। नगर परिषद की लापरवाही के चलते राहगीर हो रहे हादसों के शिकार। आपको बता दें कि नगर के मुख्य मार्गों के बीचों बीच खुले पड़े चैम्बरों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन नगर परिषद टूटे पड़े चैम्बरों की ओर ध्यान नहीं दे रही। शायद किसी बड़े हादसे के इंतजार में है कि कब कोई बड़ा हादसा हो फिर चैम्बरों की मरम्मत का काम किया जाए। बक्सवाहा में देखा कोरोना कर्फ्यू का असर, प्रशासन ने लोगों से की अपील। छतरपुर जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह के द्वारा जिले की समस्त राजस्व सीमा में लागू किए गए कोरोना कर्फ्यू के अंतर्गत आज गुरुवार को बक्सवाहा में भी इसका प्रभावी रूप से असर देखा गया, जिस दौरान समस्त बाजार बंद रहा। तो वहीं बक्सवाहा में स्थानीय प्रशासन ने लोगों से मास्क पहनने व सामाजिक दूरी बनाए रखने की मुख्य रूप से अपील की। ग्राम मरदेवरा में COVID-19 वैक्सीनेशन हुआ संपन्न। बक्सवाहा जनपद क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम मरदेवरा के उप स्वास्थ्य केंद्र में आज COVID-19 वैक्सीनेशन संपन्न हुआ, जिस दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को COVID-19 उपचार टीकाकरण किया गया, जिसके संबंध में उप स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ डॉक्टर ML लोधी ने जानकारी देते हुए बताया कि आज 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 310 लोगों को COVID-19 वैक्सीनेशन कराया गया है तथा यह कैंप 3 दिनों से लगा हुआ है, जहां पर 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग आकर COVID-19 वैक्सीनेशन करा सकते हैं। तो वहीं इस वैक्सीनेशन कार्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आशा कार्यकर्ता प्रभा सोनी, रेखा शाहू सहित अन्य लोगों का विशेष सहयोग प्राप्त हो रहा है।